निगम कमिश्नर के आश्वासन के बाद आपका धरना प्रदर्शन समाप्त। आम आदमी पार्टी का अनिश्चितकालीन जारी धरना प्रदर्शन नगर निगम आयुक्त के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें स्मार्ट सिटी अंतर्गत सभी दलों द्वारा लगाए गए पोस्टर बैनर से निकाले जाएंगे। निगम द्वारा पुनः भेदभाव किए जाने पर आम आदमी पार्टी जोरदार प्रदर्शन करेगी। आज नगर निगम कार्यालय के समक्ष 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के बीच कमिश्नर अभिषेक गहलोत पहुंचकर चर्चा उपरांत धरना प्रदर्शन समाप्त किया। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने कमिश्नर से कहा, 20 अगस्त को आपके राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कार्यकर्ता संवाद में शरीक होने आ रहा था। उनके स्वागत में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर के पोस्टर बैनर लगाए थे। कार्यक्रम होने के पूर्व 19 अगस्त की रात में नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने सिर्फ आम आदमी पार्टी के पोस्टर बैनर और झंडे निकलवाए गए, जिसकी कोलगवा थाना एवं एसडीएम को दी गई, जहां 22 अगस्त को फिर से सिर्फ आम आदमी पार्टी के पोस्टर बैनर व झंडे निकलवाए गए। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों, दूसरे दल को क्यों नहीं निकाले गए? सरकार दीवारों पर बाल पेंटिंग भी दूसरे दलों की कई महीनों से हुई है, तो नगर निगम अन्य दलों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करता? हमारे साथ भाव क्यों किया जा रहा है? आपके धरना प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे, जिसमें विनोद सोनी, विनय प्रजापति, बलराम पाठक, लक्ष्मण मल्ला, सुनील सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मेरा मानना है कि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी का इधर दौरा हुआ, उस दिन से कांग्रेस भाजपा दोनों घबराई हुई। जब से उन्होंने 10 गारंटियों की घोषणा की, जनता के अंदर उन गारंटियों को पहुंचाया गया मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तब से ये बेचैनी महसूस कर रहे हैं। और ये केवल सपना विधानसभा का हाल नहीं है, लगभग सातों विधानसभाओं में हमारी वॉल पेंटिंग हटाई जा रही है, पोस्टर हटाए जा रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? क्या यही विधान है, यही नियम है? अगर इनको ये कार्रवाई करनी है तो हर एक पार्टी की जो दीवार पेंटिंग है उसको हटाया जाए, पोस्टर बैनर हटाए जाए। ये अकेला पर सौतेला व्यवहार आम आदमी पार्टी के साथ क्यों? ये सीधी सीधी जो इनकी कारगुजारियों से साबित होता है कि ये लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनते देख बेचैनी इनके अंदर